अब बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन इंडस्ट्री तक कई एक्ट्रेसेस माँ बनी हैं। आमतौर पर 35 साल की उम्र के बाद माँ बनना काफी लेट माना जाता है, लेकिन अब यह धारणा गलत साबित हो रही है और हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कुछ एक्ट्रेसेस ने इस स्टेरियोटाइप को तोड़ा है। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने साबित कर दिया है कि 35 हो या 40 उम्र कोई मायने नहीं रखती। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जुड़ गया है किशोर मर्चेंट का। टीवी के मशहूर कपल और बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट किशोर मर्चेंट और सुयश राय के घर जल्द ही नन्हे बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली है। किशोर और सुयश शादी के 5 साल बाद जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। किशोर ने 40 साल की उम्र में नेचुरली कंसीव किया है और ये साबित कर दिया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। किशोर ने बताया कि जब उन्हें अपनी प्रेगनेंसी का पता चला तो वे और सुयश दोनों हैरान थे। दोनों के लिए शुरुआत में यह एक बड़े झटके की तरह था, लेकिन बाद में यह सुखद सरप्राइज बन गया। किशोर अगस्त 2021 में अपने पहले बेबी को जन्म देगी। लिस्ट में अगला नंबर है अनिता हसनंदानी का। छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस अनिता ने 9 फरवरी 2021 को अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। अनिता ने 39 साल की उम्र में शादी के 8 साल बाद अपने पहले बेबी को जन्म दिया है और अनिता ने खुद बताया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, आप अगर इच्छा रखे तो क्या नहीं हो सकता। इतनी उम्र के बाद भी अनिता ने नेचुरली कंसीव किया और बेबी भी बिल्कुल ठीक है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है करीना कपूर। करीना ने 40 साल की उम्र में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। करीना 21 फरवरी को दूसरे बेटे की मां बनी है और 36 साल की उम्र में करीना ने अपने पहले बेटे तैमूर को जन्म दिया था। करीना ने इस उम्र में भी अपनी दूसरी प्रेगनेंसी को काफी एंजॉय किया और बेबी के जन्म के पहले तक ग्रेसफुली काफी काम भी किया। लिस्ट में अगला नंबर है ऐश्वर्या राय का। बॉलीवुड एक्ट्रेस और 1994 में मिस वर्ल्ड बनी ऐश्वर्या राय ने 38 साल की उम्र में नेचुरली कंसीव किया था और बेटी आराध्या को जन्म दिया था। ऐश्वर्या ने 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी की और शादी के 4 साल बाद बेटी आराध्या को जन्म दिया था। रानी मुखर्जी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। 2014 में रानी ने आदित्य चोपड़ा से शादी की थी और 38 साल की उम्र में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। रानी की बेटी का नाम अदिरा चोपड़ा है। इस लिस्ट में अगला नंबर है गुल पनाग का। गुल पनाग ने 2011 में शादी की थी और शादी के 7 साल बाद 39 साल की उम्र में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। गुल पनाग के बेटे का जन्म 2018 में हुआ था और उसका नाम निहाल है। इस लिस्ट में अगला नंबर है माधुरी दीक्षित का। माधुरी ने साल 1999 में डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी की थी। माधुरी जब 37 साल की थी तब पहली बार माँ बनी। इसके बाद 39 साल की उम्र में माधुरी ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया था। माधुरी के 2 बेटे हैं जिनका नाम एरिन और रयान है। माधुरी आज 53 साल की है, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी बस यही कहेगा कि एज इज जस्ट अ नंबर। लिस्ट में अगला नंबर है नेहा धोपिया का। नेहा ने 2018 में गुपचुप तरीके से अंगद बेदी के साथ शादी की थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद नेहा ने 2018 में ही बेटी मेहर धोपिया को जन्म दिया और बेटी के जन्म के समय नेहा की उम्र 38 साल थी। इस लिस्ट में अगला नंबर है अमृता सिंह का। सारा अली खान की मॉम अमृता सिंह ने 2001 में बेटे इब्राहिम अली खान को जन्म दिया था। उस वक्त अमृता सिंह की उम्र 43 साल हो चुकी थी। अमृता ने सैफ के साथ 1991 में शादी की थी और 2004 में वे अलग हो गए थे। इन सब में सबसे चौंका देने वाली कहानी है डायना हेडन की। 1997 के मिस वर्ल्ड डायना हेडन ने 43 साल की उम्र में एक फ्रीजिंग तकनीकी की मदद से मां बनने का सुख हासिल किया था और उनकी बेटी का नाम आर्या है। डायना ने 8 साल पहले ही अपने एग फ्रीज करवा दिए थे और 43 साल की उम्र में मां बनने का सुख हासिल किया। लिस्ट में अगला नंबर है रागेश्वरी लुम्बा का। गोविंदा की फिल्म आंखें की हीरोइन रागेश्वरी लुम्बा ने 2016 में 41 साल की उम्र में एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। भावुक रागेश्वरी ने फेसबुक के जरिए अपनी प्रेगनेंसी के अनुभवों को भी शेयर किया था। लिस्ट में अगला नंबर है फराह खान का। बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फराह खान ने 9 दिसंबर 2004 को
शिरीष कुंदर के साथ शादी की थी और 2008 में IVF तकनीकी के जरिए 3 बच्चे अन्या, कजार और डीवा को जन्म दिया। जब इन बच्चों का जन्म हुआ तब फराह खान 43 साल की थी। लिस्ट में अगला नंबर है शिल्पा शेट्टी का। शिल्पा ने 38 साल की उम्र में अपने पहले बेटे वियान को जन्म दिया था। वहीं 44 साल की उम्र में दोबारा माँ बनकर शिल्पा ने सभी को हैरान कर दिया। शिल्पा ने अपनी बेटी समीशा के जन्म के लिए सरोगेसी का सहारा लिया। हालांकि शिल्पा ने बताया था कि 44 की उम्र में दोबारा माँ बनना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस लिस्ट में अगला नंबर है एकता कपूर का। लीक से हटकर काम करने वाली एकता कपूर 44 साल की उम्र में माँ बनी है। 2019 में एकता ने सरोगेसी के जरिए एक बेटे का स्वागत किया। एकता ने अपने बेटे का नाम रवि कपूर रखा है जो कि उनके पिता जितेंद्र का असली नाम है। लिस्ट में अगला नंबर है कश्मीरा शाह का। कश्मीरा और कृष्णा अभिषेक 2017 में जुड़वा बच्चों के पेरेंट्स बने थे। बच्चों के जन्म के समय कश्मीरा की उम्र 45 साल की थी जबकि कृष्णा अभिषेक 34 साल के थे। कश्मीरा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कई मिसकैरेजेस के बाद उन्होंने फाइनली सरोगेसी का सहारा लिया। 40 के बाद मां बनने वाले सेलेब्स के लिस्ट में गौरी खान का नाम भी शामिल है। शाहरुख के तीसरे बेटे अब्राहम का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ था। उस वक्त गौरी 42 साल की थी। उस वक्त इसको लेकर काफी चर्चा भी हुई थी। वहीं अगला नंबर है पद्मा लक्ष्मी का। अमिताभ बच्चन की फिल्म बूम में नजर आई पद्मा लक्ष्मी ने 2010 में बेटी कृष्णा थ्रिया को जन्म दिया। पद्मा उस वक्त 40 साल की थी। पद्मा लक्ष्मी के पति अमेरिकी उद्यमी एडम डेल हैं। वहीं आमिर खान की पत्नी किरण राव ने भी 38 साल की उम्र में बेटे आजाद राव खान को जन्म दिया। आपको बता दें आजाद का जन्म भी सरोगेसी के जरिए हुआ था। इस लिस्ट में अगला नंबर है सनी लियोनी का। सनी लियोनी और उनके पति डेनियल वेबर ने 2017 में बेटी निशा कौर वेबर को गोद लिया था। वहीं 2018 में सनी के दो जुड़वा बेटे नोह और अशेर का जन्म हुआ था। सनी ने अपने बच्चों के जन्म के लिए सरोगेसी का सहारा लिया था और उस वक्त सनी लियोनी की एज 37 साल थी। सनी और डेनियल अब 3 क्यूट से बच्चों के माता पिता हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर है वंदना सजनानी का। राजेश खट्टर की वाइफ और ईशांत खट्टर के स्टेप मॉम वंदना सजनानी ने ये साबित कर दिया है कि अगर चाह हो तो राह कहीं से भी निकल जाती है। वंदना ने शादी के 11 साल बाद 3 मिसकैरेज, 3 फेल IVF, 3 फेल IUI और 3 फेल सरोगेसी के बाद एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। वंदना ने 44 साल की उम्र में बेटे वनराज कृष्ण खट्टर को जन्म दिया। तो दोस्तों आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें गजब खबरें।